हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल गोडविल के लर्नर्स क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। और आज आपकी टेंथ की फिजिक्स की पहली क्लास है, तो चलो आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, प्रकाश के परावर्तन से पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है और इसके छोटे छोटे मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, अब आगा पॉइंट प्रकाश स्रोत। क्या है प्रकाश स्रोत? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है, बल्ब हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद वस्तु, वस्तु नाम आया इसमें, तो वस्तु के दो प्रकार होंगे। नंबर एक दीप्त वस्तु और नंबर दो अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु कौन सी होगी? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का क्या है? अपना प्रकाश है, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती या जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है? अदीप्त वस्तु है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। और भी एग्जांपल है, जैसे मेज है, कुर्सी, चंद्रमा। ठीक है, अब जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन कण को क्या बोलेंगे? फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें फोटोन कहते हैं। और प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, उसके बाद आगे किरण, किरण किसे कहते हैं? रे। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो उसे किरण कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो उसे किरण कहते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है किरण पुंज। क्या है? किरण पुंज। जब किरणों का समूह एक साथ गमन करता है, जब किरणों का समूह एक साथ गमन करता है तो उस समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, नंबर दो अभिसारी किरण पुंज और नंबर तीन है समांतर किरण पुंज। नंबर एक अभिसारी किरण पुंज, सॉरी अपसारी किरण पुंज, नंबर दो अभिसारी किरण पुंज और नंबर तीन है समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? जब कोई किरण किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर गमन करती हुई दिखाई देती है, जब कोई किरण किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर गमन करती हुई दिखाई देती है तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई देता है, जब किरणों का समूह किसी एक पॉइंट पर या बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई देता है तो इस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद समांतर किरण पुंज, जब किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर गमन करता है, जब किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर गमन करता है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर गिरती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर गिरती है तो वह टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में
लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार या चीखने तल पर गिरती है तो वह टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अब डायग्राम के माध्यम से समझो बच्चों, ये को इनके एक समतल दर्पण है, यह एक कांच की प्लेट है जिसके एक तरफ क्या कर दिया हमने, चांदी का सिल्वर का पेंट कर दिया और दूसरा तल बना दिया हमने परावर्तक। ठीक है, ये प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, जो प्रकाश किरण दर्पण पर आकर गिरती है, जो प्रकाश किरण दर्पण पर आकर गिरती है उसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, जो प्रकाश टकराने के पश्चात लौटगी यानी कि परावर्तित होगी तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण को इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये पॉइंट जिस पर आपतित किरण गिरती है इस पॉइंट को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहला होगा? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होगा उसे लिखेंगे आई यानी कि आपतन कोण। क्या होगा? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को प्रदर्शित करेंगे आर से और जिसे कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई से प्रेजेंट करेंगे और परावर्तन कोण को आर से। दो नियम है इसके परावर्तन के। पहला नियम तो यह है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है यानी कि एंगल आई इक्वल एंगल आर के। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब कल आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है और कल फिर दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।